अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शरीफ चिश्ती, चिश्ती बिजनेस प्लान में आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जो आज की मेरी वीडियो का मौजू है, आज मैं आपको जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनको इरीफाइन जो वैरायटी है उसके बारे में बताऊंगा कि इरीफाइन की वैरायटी का अब क्या हाल जा रहा है, अब किस कंडीशन पे है, इसके बारे में तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। आप मेरे चिश्ती बिजनेस प्लान जो चैनल है इसको देखते रहिएगा। आज मैं इरीफाइन के बारे में मुकम्मल डिटेल और आपको बताऊंगा कि इसकी कटाई करना क्यों ज़रूरी है। अगर इसी तरह फसल खड़ी रहती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसकी औसत पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो आगे मैं आपको ये बताऊं कि जिन लोगों ने इनकी कटाई कर ली है उनकी क्या औसत पैदावार आई है और उनका किस रेट में जो है इरीफाइन सेल हुए हैं। जी नाज़रीन, बाज़ ज़िमींदारों ने, मैंने भी 2 एकड़ सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह, 65 से 70 मण की इसकी औसत पैदावार आई है और 2140 रुपये इसका जो है वो रेट लगा है। तो मैक्सिमम 1800 से लेकर 2100 तक इसकी तवक्को की जा सकती है। ये आप देख रहे हैं इरीफाइन की वैरायटी, ये किस तरह खड़ी है और किस तरह ये गाय बगाय गिर रही है। तो जो भी किसान हजरात ये फसल जिन्होंने काश्त की हुई है, आप मज़ीद इंतज़ार ना करें, मौसमी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, इसलिए अगर आपको चांस बनता है तो जल्द अज जल्द इसकी आप जो है कटाई करवा लें, क्योंकि महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं इसकी कटाई के भी और इसकी लगाई पे भी, और इस पर जो चार्जेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रेट जो है वो मुनासिब अच्छा है और इसकी औसत पैदावार भी ठीक आ रही है। नाज़रीन, इरीफाइन की वैरायटी का जो रेट है, औसत पैदावार है और इसकी कटाई कब करनी चाहिए, ये सारी मुकम्मल तफसील से मैंने किसान भाइयों को बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।